सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो आप ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट HDFC बैंक में घर बैठे ओपन किया है, ऑनलाइन ओपन किया है, लेकिन अभी तक उनके एड्रेस पर ना तो कोई डेबिट कार्ड आया है, ना ही कोई पासबुक आई है, ना ही दोस्तों कोई चेकबुक आई है। यानी कि दोस्तों, जो वेलकम किट होती है अभी तक उनके एड्रेस पर नहीं आई है। तो दोस्तों, कैसे आप अपनी वेलकम किट को अपने एड्रेस पर मंगा सकते हो, आपको उसके लिए क्या करना होगा, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस दूंगा, जैसा कि मैंने पेश किया था, मैंने अपनी वेलकम किट कैसे मंगाई थी, मैंने अपना डेबिट कार्ड, अपनी चेकबुक और अपनी पासबुक कैसे मंगाई थी, मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अकाउंट घर बैठे ओपन किया था, लेकिन उनके एड्रेस पर दोस्तों अभी तक कोई वेलकम किट नहीं आई है। दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो ऑनलाइन अकाउंट होता है HDFC बैंक का, आप उसे 1 साल तक यूज़ कर सकते हो बिना ब्रांच जाए। लेकिन दोस्तों, आपको उसमें सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी, आपको उसमें ना तो कोई डेबिट कार्ड मिलेगा, ना ही कोई पासबुक मिलेगी, ना ही कोई चेकबुक मिलेगी। अगर आपको अपनी वेलकम किट चाहिए तो आपको उसके लिए एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा, जिस ब्रांच से आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, आपको वहाँ पर एक बार ब्रांच में जाना पड़ेगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड। वहाँ जाके दोस्तों, आपको अपने अकाउंट की फुल KYC करानी पड़ेगी। दोस्तों, क्या होता है कि जब तक आप अपने अकाउंट की फुल KYC नहीं कराओगे, तब तक आप अपने अकाउंट को सिर्फ ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, ना ही दोस्तों आपको कोई पासबुक मिलेगी, ना ही कोई चेकबुक मिलेगी। आप सिर्फ अपने अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो 1 साल तक। अगर आप 1 साल के बाद भी ब्रांच नहीं आते हो तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको अपना डेबिट कार्ड और अपनी पासबुक और चेकबुक, ये तीनों आइटम चाहिए, तो दोस्तों आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया है तो आपको एक बार ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ आके आपको दोस्तों अपनी फुल KYC करानी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप अपनी फुल KYC करा दोगे तो उसके 10 या 12 दिन बाद सबसे पहले आपके एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड आएगा, उसके 8-10 दिन बाद आपकी वेलकम किट आएगी। यानी कि डेबिट कार्ड दोस्तों पहले आता है, और जो वेलकम किट होती है जिसके अंदर आपको चेकबुक और पासबुक देखने को मिलते हैं, वो आपके 10-12 दिन बाद आएगी। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस में समथिंग 1 महीने का टाइम लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया है और अभी तक आपके एड्रेस पर कोई वेलकम किट नहीं आई है, ना ही कोई डेबिट कार्ड आया है, तो आपको अपनी ब्रांच जाना है, वहाँ आके आपको अपनी फुल KYC करानी है। और दोस्तों, साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले आने हैं, आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में ले आना है। उसके बाद ही दोस्तों आपका अकाउंट पूरी तरीके से ओपन होगा, तब जाके दोस्तों आपके एड्रेस पर आपका डेबिट कार्ड और आपकी पासबुक भेजी जाएगी। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस होता है। काफ़ी लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता, वो सिर्फ वेट करते रहते हैं कि उनकी वेलकम किट कब आएगी, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि जब तक फुल KYC नहीं होती, तब तक कोई भी वेलकम किट उनके एड्रेस पर नहीं भेजी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि वेलकम किट में दोस्तों आपको डेबिट कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पहले जो वेलकम किट आती थी उसके अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलता था, हमारा डेबिट कार्ड उसी के अंदर आता था। लेकिन अभी क्या है, सबसे पहले हमारे पास डेबिट कार्ड आता है अलग से, वेलकम किट जो होती है वो बाद में आती है। दोस्तों, अगर आपके पास पहले डेबिट कार्ड आ जाता है और चेकबुक और पासबुक नहीं आती है, तो आप परेशान ना हो, उसके 10-12 दिन बाद ही दोस्तों आपके पास चेकबुक और पासबुक भी आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।